हे गाइस, देखो एक अच्छी खबर देखने को मिली है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों को बना दूं सर। लेकिन प्लीज़ कृपया करके आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा सर, नहीं तो क्या होता है ना, कि क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि देखो जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सर सुनते हो, समझते हो, आप सुनते हो कि यार क्या कोको कोला कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, क्या विप्रो क्या कंपनी है, रिलायंस क्या कंपनी है, लेकिन सर आप इन कंपनियों के बारे में जानते क्या हो, क्या जानते हो सर? थोड़ी बहुत चीज़ें जानते होंगे, हालांकि तो मैं तो और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जानता हूँ सर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी हो सर, कोई भी कंपनी हो, उनके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि सर उनको कैसे यूज़ करना है, सर कैसे यूज़ करना है, सर उनको डिस्क्लोज़र देना पड़ता है, कैसे हार्मफुल होता है, नहीं होता है, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से नहीं करना, वो दिया रहता है सर वहाँ पर, ठीक है। जब लेबलिंग किया जाता है तो उसी तरीके से सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लिया कीजिए सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कल के डेट में बोलेंगे भाई तुम्हारे बेटे से लॉस हो गया, आप खुद ही बताइए सर मुझे किसी और का नुकसान करा के क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा मतलब चौकन्ना रहा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सर सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा थंबनेल तो दिखा ही होगा आप लोगों ने, थंबनेल थंबनेल पे तो सर मैंने साफ साफ लिख रखा है सारे मल्टी बैगर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला आ गया है सर, सारे मल्टी बैगर का आखिरी मौका आप समझ सकते हो, क्योंकि अच्छा मौका बार बार थोड़ी आता है सर। कंपनी का नाम है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड सर, आज ये स्टॉक 10% भागा हुआ है, 1561 रुपीज़ पे मिल रहा है सर, 1561 पे मिला। अगर कल के डेट में यही चीज़ अगर 1600 रुपये में मिले या 1700 रुपये में मिले या 1800 रुपये में मिले, मतलब कहीं पर भी सर, लेकिन छोड़ने वाली जो चीज़ है ना सर, अगर वो आपके दिमाग में भी आ गई ना सर, तो मत छोड़िएगा, मतलब कभी किसी तरीके से यार जाने दो यार, अगर हल्के में ले लिया आप लगने, तो फिर सर आते मतलब आने वाले कुछ सालों के बाद सर वो होता है ना जो आशिक आवारा वाला गाना गाना स्टार्ट कर दोगे सर, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर फिर लोग बोलना स्टार्ट करेंगे पहले नहीं बताया, पहले नहीं बताया, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारे पास फ्रेश स्टॉक्स नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है वो है। तो सर इतने हजार डायलॉग मारने से अच्छा, हजार बहाने मारने से अच्छा, समझ रहे हो ना, थोड़ा समझदार बन जाने से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा सर। आप भी रिसर्च करोगे, आप भी देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तो सर आपको भी चीज़ें समझ में आएगी, स्टडी करोगे तो आपको भी आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, है कि नहीं है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, और कंपनी का प्राइस चाहे जो भी हो, आज 10% भागा है, कल और 10% कभी भी सर, लेकिन वो अलग चीज़ है। देखिए कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे सर पूरी तरीके से, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइज़ या टिप्स नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, ये इस वजह से बता रहा हूँ, देखिए कंपनी है सर 1686 करोड़ की, मतलब मान लेते हैं 1700 करोड़ की कंपनी है सर, और यहाँ पर देख लीजिए जिस तरीके से बताया जा रहा है, सोलेक्स एनर्जी प्लान टू इन्वेस्ट 1500 करोड़ सर, ठीक है, किसके लिए, एक्सपेंड कैपेसिटी। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ही 1600 या 1700 करोड़ की है सर, जितने की कंपनी है उस हिसाब से सर कंपनी ने यहाँ पर लगभग इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बना रखा है सर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये हो जाती है सर एक अच्छी खबर यहाँ पर, जिसके दम पे स्टॉक एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से सर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कल के डेट में लोअर सर्किट देखने को मिल जाए, वो बात की बात रहेगी सर। देखो मतलब क्या होता है कि आज और कल से रिलेटेड नहीं है, हमें देखना है कि आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी अपने टारगेट को बढ़ाते हुए नजर आ जा रही है, कंपनी यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है मेकिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 700 मेगावाट टू 1.5 गीगावाट, बताया जा रहा है सर, मतलब मेगावाट से कंपनी गीगावाट में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट अपने कंपनी जो है अपने कैपेसिटी को डबल करना चाहती है। कंपनी अपने कैपेसिटी को डबल करना चाहती है तो सिंपल सी बात है सर, मतलब 1500 करोड़ की कंपनी है तो इसको और 1500 करोड़ को बनाना होगा। तभी अभी मान लीजिए 1500 करोड़ की कंपनी मान लेते हैं कि सर किसी तरीके से 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर देती है, तो सर और 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो और 1500 करोड़ की कंपनी लाना होगा यहाँ पर, तब ना होगा सर टोटल यहाँ पर भी 100 मिलाकर टोटल 200 करोड़ का। तो वही यहाँ पर देख सकते हो कंपनी अपन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, बताया जा रहा है बाई दिसंबर विथ फर्दर यहाँ देख सकते हो एक्सपेंशन प्लान बाई 2027। तो इसलिए मैं आपको बोला आज और कल के बारे में नहीं सोचना, ये कंपनी बोली है 2027, तो जो लोग 27 या 30 तक रुक पाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर ये कंपनी कहाँ से पैसा रेज करेगी, तो सर ये कंपनी जो है इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेगी, आसानी से सर इस कंपनी को मिल भी जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो पास्ट है बहुत अच्छा है सर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगा, कंपनी बड़े लेवल में काम भी कर रही है और कंपनी सर अभी तक नुकसान नहीं दिया है, तो मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कंपनी को पैसा रेज करने में भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और अगर आप देखेंगे तो सर ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ज़्यादातर क्या सारा काम सर सोलर से रिलेटेड ही सर करती है कंपनी ज़्यादातर, ठीक है, सारा काम सर ये सोलर से रिलेटेड ही करती है सर। जैसे देखोगे ACL
ठीक है। सेल स्पेशलाइज रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सर ये बड़े लेवल में काम करती है, सोलर से रिलेटेड ये बहुत बड़े लेवल पर सर मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर देखने को मिलेगा, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूटिलिटी ये बहुत सारे ये सबसे रिलेटेड सर ये आपको देखने को मिल जाएगा सर। 29 ईयर का एक्सपीरियंस है, बड़े लेवल में है सर। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यहाँ देख सकते हो 6000 से भी ज़्यादा है, मतलब कंपनी को अगर फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट मिलते हैं तो काफ़ी बड़े लेवल में कर लेगी सर ये कंपनी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ कंपनी के अंदर अच्छा देखने को मिलेगा सर। मतलब कंपनी कोई भी चीज़ असेट मैनेजमेंट में हो या किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहती है सर कंपनी। इस कंपनी के पास प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन देखने को मिलेगा, लैंड आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्वाइजेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट है सर इस कंपनी के पास। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में तो सर ये कंपनी का प्रोफाइल बहुत तगड़ा है ऐसा है, और कंपनी बहुत बड़े लेवल में सर इस चीज़ों को सर मैन्युफैक्चर करने में मास्टर हो चुकी है। मतलब पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग जो है चाइना के ऊपर डिपेंड करते थे कि यार चाइना है, क्योंकि चाइना के अंदर ये सारी चीज़ें सस्ते लेवल पे हो जाती है सर। अब क्या इंडिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक है। आपको ज़्यादातर मेन चीज़ें जो कंपनी देखने को मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे अगर कंपनी देखो तो सोलर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके लिए रूफटॉप बनाती है सोलर, यहाँ देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल के लिए रूफटॉप बनाती है, और उसके साथ साथ पावर प्लांट के लिए भी रूफटॉप बनाती है, वाटर पंप के लिए भी सो बनाती है सर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सर ये लगभग जो है सोलर कार पोर्ट भी बनाती है सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोलर के साथ सर कंपनी ने इतनी गहरी दोस्ती कर रखी है कि सर बहुत बड़े लेवल में कंपनी ने इनोवेशन कर रखा है सर सोलर के मामले में ऐसा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखोगे तो कंपनी के पास पहले देखा जा रहा था तो कि भाई 800 मेगावाट का टारगेट रखा जा रहा था सर 25 तक, अब तो सर इन्होंने सब कुछ बदल दिया, ये पूरे वाले बिजनेस को हटा दिया जो पुराने वाले बिजनेस है, अब सर इन्होंने नया टारगेट रखा। सोचो मतलब इससे ये पता चलता है कि जो टारगेट सर ये कुछ साल पहले रख रहे थे अब ये सर ये टारगेट को बदल रहे हैं। और यूज़र इंडस्ट्री अगर देखोगे तो सर यूज़र इंडस्ट्री भी बहुत बड़े बड़े लेवल में है सर, जैसे गवर्नमेंट हैं रियल स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर वाले आपको देखने को मिल जाएंगे सर, बैंकिंग वाले देखने को मिल जाएंगे, रेसिडेंशियल वाले, हॉस्पिटलिटी वाले, हेल्थ केयर वाले, मतलब हर तरफ से सर, ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, मीडिया एंटरटेनमेंट हो, टेलीकॉम हो, हर जगह सर इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर ये कंपनी यही काम बहुत बड़े लेवल में कर रही है सर। इतनी एक्सपर्टीज़ है कि सर लगभग वाटर पंप से लेकर आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, हर जगह ये कंपनी बोल रही है कि भाई हम लगा के देंगे आपको। जैसे ये जो कार देख रहे हो ना सर, ये कार में जो मैंने आपको बताया ये वो है सर, ठीक है, सोलर कार पोर्ट मैंने आपको बताया था ना, तो ये देख लीजिए। मतलब कंपनी बोलना चाहती है कि देखो भाई आप अगर इस तरीके से बना लेते हो तो आप अपना कार रखोगे ना तो सेफ भी रखेगा, आपके कार को धूप भी नहीं लगेगा और चार्ज भी होता रहेगा। बात खत्म हो गई ना सर। कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा सर, अमूल एनडीडी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ताज जैसे देखने को मिल जाएंगे, ONGC हो जाएगा, अहमदाबाद से भी IIM अहमदाबाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सर, BOB देखने को मिल जाएगा, कैनरा बैंक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इनके साथ ही है सर। तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर हैं, तो अगर देख सकते हो ये जो मैंने आपको बताया है ये सारे जो हैं इनके क्लाइंट हैं सर, बड़े बड़े और भी है सर इनके पास, और भी क्लाइंट आपको बड़े पड़ने हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कंपनियां सर जो हैं इनके अच्छे खासे क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या पता चलता है सर कि कंपनी के पास जब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस्ड है तो इससे पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर लेवल में और बड़े लेवल में जो है काम कर सकती है सर। कैपेसिटी एक्सपेंशन के मामले में तो सर कंपनी ने बोल दिया कि 800 मेगावाट से हटाकर 1.5 जीगावाट कर देंगे सर। सोचो मेगावाट को हटाकर कंपनी सीधा बोल रही है कि हम जीगावाट पे जाएंगे, और भी इस कंपनी के लगभग जो है क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको जो है और धीरे धीरे जो है सर हम 2 GW तक लेके जाएंगे सर, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को 2 GW तक हम लेके जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में सर अभी नहीं। सोच लो तो कंपनी पूरी तरीके से पान इंडिया प्रेजेंस काम कर रही है सर, और बहुत बड़े लेवल में कंपनी काम कर रही है। और ये जो भी इन्होंने बताया है रेवेन्यू वगैरह यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब मतलब इंडिया के कलर में इन्होंने बता रखा है, ये इस वजह से इन्होंने बता रखा है क्योंकि सर ये सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इंडिया में, ये जो कंपनी है सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है इंडिया में, और इंडिया के अंदर इनका काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है सर। ईयर ऑन ईयर के भी अगर हिसाब से देखें 2023 से 4 तक का भी अगर देखेंगे तो कंपनी का सर जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छा है सर, कोई दिक्कत वाली बात आपको देखने को नहीं मिल जाएगा सर। ये कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं सर, बड़े बड़े इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं, इस कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो 3 और वीडियो बनाने वाला हूँ सर, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, ये एक छोटा सा धुंधला जानकारी मैंने आपको दिया है, और 3 वीडियो बनाऊंगा जिनके ऊपर और मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा सर, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, एक ही बात तो सारी चीज़ नहीं बता दूंगा लेकिन बता दूंगा सर, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर। और अगर स्टॉक मार्केट में तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब तो सर एंजल ने टाटा IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया है सर, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। एंजल अगर आप देखोगे तो जिरोधा को पछाड़ते हुए अब नंबर 1 बनता हुआ नजर आ रहा है।